नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप स्नैपचैट द्वारा खींची गई फोटो को आप गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्नैपचैट फोटो को गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले इस स्नैपचैट कैमरा ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल के लिए एक फ़ोटो खींचता हूँ, सेव करने पर यह फ़ोटो आपको गैलरी में सेव नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर गैलरी में जाकर आपको दिखा सकता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वह फोटो सेव नहीं हुआ है। फ़ोटो को गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ पर स्नैपचैट की कुछ सेटिंग करनी होगी। सबसे पहले आपको स्नैपचैट ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर स्नैपचैट की सेटिंग ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर स्नैपचैट की कई प्रकार से सेटिंग कर सकते हैं। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और मेमोरी वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको सेव बटन वाले आइकन पर क्लिक करना है। फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए अब आपको मेमोरी एंड कैमरा रोल पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप स्नैपचैट द्वारा ली गई फ़ोटो को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक फ़ोटो खींचकर दिखा देता हूँ और उसको सेव करके आपको गैलरी में दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक फ़ोटो खींचता हूँ और फिर इसको गैलरी में सेव करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको इस फ़ोटो को सेव करना है, सेव करने के बाद आपको इस अब गैलरी में चले जाना है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो फ़ोटो मैंने खींचा था वह गैलरी में सेव हो चुका है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप किसी भी फ़ोटो को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।